अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी कॉलेज से आई हूँ, इतने दिनों से वीडियो नहीं बनाई। अभी मैं चेंज कर लूँ, मैं आप लोगों को अपने कपड़े दिखाती हूँ। अभी निकाले हैं मैंने, अभी चेंज कर लूँ, ये वाले कपड़े पहन रही हूँ, सूट मेरा ये वाला सूट पहन रही हूँ, और ये स्टॉलर जीन्स। तो मैं सूट चेंज कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इतने दिन से वीडियो अपलोड क्यों नहीं की। आप लोग तो वेट कर रहे होंगे, तो फिर दो मिनट में मिलती हूँ। तो व्यूअर्स, सूट वगैरह चेंज कर लिया है, तो अब आप लोगों को बताती हूँ कि मैं मतलब वीडियो क्यों नहीं बना रही थी। पहले मुझे बुखार था बहुत ज़्यादा, हम हॉस्पिटल गए थे, मतलब उधर डॉक्टर ने इतनी सारी मेडिसिन दे दी, तौबा तौबा। फिर उस वक्त मुझे बाबा ले गए थे पुल टू की सैर करने, तो फिर हम गए थे पुल टू पे। पुल टू जो है तौसा में, अभी न्यू पुल बनी है तौसा से आगे इलाकों में जाने के लिए, मुल्तान फिर इससे आगे मतलब इलाकों में जाने के लिए बनी है ना, ये अभी बनी है। पहले ये थी करीबन आज से 40 ईयर्स पहले इस यही मतलब रोड यूज होती थी, फिर ये टूट गई थी, नहर वगैरह इसमें आती थी ना, फिर समंदरी पानी नहीं, समंदरी पानी तो नहीं आता था, शायद बारिशों का पानी इधर से गुजरता था, फिर इस वजह से ये टूट गई थी। प्रॉपर काम नहीं होता ना पाकिस्तान में किसी भी चीज पर, ज्यादातर प्रॉपर काम नहीं किया जाता। फिर अब इसे मतलब रीयूज बनाया गया है कि दोबारा से लोग इस रास्ते पे सफर करें। आज से 40 ईयर पहले जब वो होता था, जब यहाँ बारिशों का मौसम होता था, यहाँ से पानी गुजरता था, तो ज्यादातर खावतीन जो होती थी वो इधर से ऊंट ऊपर जो कचावा होता नहीं है उस पर बैठ के सफर करती थी, और मर्द जो होते थे ऐसे पैदल, उनको तो बड़े जोर होते हैं, ताकत होती है। व्यूअर्स, यही मैदान है जिससे पानी मतलब आर पार गुजरता था, इधर से आता था उधर जाता था, जहां से समझ लो। व्यूअर्स, ये जो आगे पुल नजर आ रहा है ना, ये यही अभी बना है, अभी यहाँ आगे काम हो रहा है, शायद हो जाएगा, पर अभी तक वही बना है जो आगे नजर आ रहा है। व्यूअर्स, इससे आगे जो नजर आ रही है ना, तौसा की कच्ची आबादी, पुल खत्म होते ही तौसा की कच्ची आबादी शुरू हो जाती है, ये सारी मतलब पहले आने वाली ना तौसा की कच्ची आबादी है, इसको कच्ची आबादी के नाम से मतलब मशहूर किया गया है, वैसे अब तो पक्के मकान है सबके। व्यूअर्स, इससे आगे जो पुल नजर आ रही है ना, जिस पे अभी मैंने जूम किया है ना, अब लोग उस पे जा रही है, बड़ी ट्रैफिक सारी उससे जा रही है, ये तो अभी छोटी बाइकें वगैरह इस पे चल रही हैं, वरना सारी बड़ी ट्रैफिक वहां से आ रही है। कुछ दिन तक शायद इधर ट्रांसफर कर दें, पर अभी सही से कुछ पता नहीं है। ये पुल टू ऊपर ऊंची बनाई गई है ना, ये बहुत ही नीचे है, इनको शायद बाद में खतरा होगा, पता नहीं, अभी ये बहुत नीचे है पुल टू से। तो व्यूवर्स, इतने सारे सूट, सब मतलब 3 पीस सूट हैं, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वैसे प्यारे हैं, एक तो मेरी छोटी सिस्टर को बहुत प्यारा लगा है, पसंद आया उसको। अम्मी, वैसे ये एक सूट कितने का है? 1250-1300 का तक का है, सही अभी प्राइस नहीं पता हमने, हम लोग ने मामू के घर से लिया है ना, तो फिर हम बाद में प्राइस पूछेंगे, उनको अदा करेंगे। दिखाओ, आई थिंक 15 है 15, क्योंकि मेरे 12 चाचू हैं, मतलब 12 उनकी नहीं 6 चाचू हैं और 6 मेरी फूफू हैं, चाचू की बीवियों के लिए हैं। आप लोग चाचू के लिए ना समझ लीजिएगा, मेरे चाचू ऐसे नहीं पहनते हैं। अच्छा, एक बहुत प्यारा था ये वाला, इतना प्यारा था, मेरी छोटी बहन ने उठा लिया, ये बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा मुझे बहुत प्यारा लगा है। बाकी सारे ऐसे ही हैं, और तुम वाले, क्योंकि मेरी वो अभी बूढ़ी हो गई है, जवान नहीं है। और मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं, मेरे लिए गिफ्ट आया है मेरी सिस्टर की फ्रेंड की तरफ से, मैं आप लोगों को गिफ्ट दिखाऊं अपना। व्यूवर्स, ये देखें, इतना कीमती गिफ्ट, आप लोग क्या समझे थे खजाना होगा।
मेरी सिस्टर की फ्रेंड ने भेजा है खास तौर पे मेरे लिए, ऐसा है। तो व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।